इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर के बाजार गांव में एक बड़ा धमाका हो गया है। ये धमाका सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में हुआ है। इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी, सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है, वहां पर पहुंच गई है। और चलिए इस खबर पर नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमर काणे। अमर, बड़ा ब्लास्ट हुआ है, 9 लोगों की मौत की भी खबर है। मैं जानना चाहूंगी कि ताजा हालात वहां के क्या है, ताजा अपडेट दीजिए। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही थी कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो क्या उन्हें बाहर निकाला गया है और ये ब्लास्ट कैसे हुआ? भावना, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अभी हम सोलर कंपनी के बाहर है और सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। 9 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी है। सबसे बड़ी चीज ये थी कि जहां ब्लास्ट हुआ, ये एक्सप्लोजिव तैयार करने का एक मटेरियल रहता है, उसकी इमारत में ब्लास्ट हुआ था। जो खनन कार्य के लिए, जो कोयले के लिए जो ब्लास्ट करते हैं, उसके लिए कुछ बनाने का मटेरियल था, एक्सप्लोजिव था, वहाँ पे वो ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 9 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी के लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उसी इमारत के आसपास बाकी का कुछ एक्सप्लोजिव बचा हुआ था। उसको देखने के लिए उस जगह पे कुछ ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और अभी जो बॉम्ब स्क्वाड था उसने उस इलाके का भी क्लियरेंस दे दिया, अभी सुरक्षित है। और उसके बाद आगे का मदद कार्य शुरू हो चुका है और अभी यहाँ पे सब कामगार जो थे, यहाँ के लेबर्स तो जो थे, इनको यहाँ से दूर लेके गया। आप देख सकते हो, मैं मेरे कैमरामैन को भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पूरा एरिया जो है स्क्वाड्रन किया जा चुका है। यहाँ से कंपनी के हम बाहर के गेट के पास है, यहाँ से साधारण 500 से 700 मीटर अंदर वो इमारत है जहाँ ब्लास्ट हुआ था, वो इलाका भी अभी सेफ होने की जानकारी है और आगे का मदद कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन सवेरे 8:40 से 55 मिनट के बीच में ये घटना हुई और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के बाद आजू बाजू के गाँव के लोग भी यहाँ दौड़ते हुए पहुंचे। वो इमारत जहाँ पे ये दुर्घटना हुई बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त है। हम कुछ परिजन भी देख सकते हैं, जिनकी मृत्यु है उनके कुछ परिजन अभी भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, उनकी भावनाएं बता नहीं सकते। और अभी इलाका जो है, अमर, जिन 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, उन्हें लेकर कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों को कोई मदद दी जाएगी, ऐसी कोई जानकारी दी गई है या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है इस पर, या फिर सुरक्षा को लेकर वहां आप क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर भी जानकारी दीजिए। भावना, बिल्कुल सरकार की तरफ से मदद की घोषणा हो चुकी है और कंपनी की तरफ से भी मदद की घोषणा हो चुकी है। और सबसे बड़ी चार्ज जो आक्रोश लोगों का था, यहाँ के लेबर्स का, कामगारों का जो आक्रोश था, सेफ्टी को लेकर ही ज़्यादा आक्रोश दिखाई दिया कि यहाँ की सेफ्टी बराबर नहीं है। ऐसे यहाँ के बहुत लेबर की और जिनके जो कामगार जिनकी मृत्यु है उनका भी, परिजनों का भी यही कहना था कि यहाँ सेफ्टी की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और उसके ऊपर उन्हें नाराजगी भी व्यक्त की। यहाँ पर बहुत घोषणाएँ भी हुई, उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को यहाँ से दूर हटाया, लेकिन लोगों का आक्रोश जो है सेफ्टी को लेकर ज्यादा था। जी बिल्कुल, क्योंकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बड़ा आंकड़ा है। अब इस पर सरकार ने मदद तो जैसे आप कह रहे हैं कि जाहिर करी दी है, लेकिन कंपनी भी आगे क्या कदम उठाती है और क्या कुछ अपडेट रहेगी, इस पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अमर इस पूरी जानकारी के लिए।